डालना कौन से एरिया? गोवंडी यहाँ बैगनवाड़ी में इंदापुर, और उसके बाद 46% बच्चे प्री स्कूल प्राइमरी स्कूल को जाते ही नहीं। एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 18 बरस से लेकर 24 बरस तक सिर्फ 23%, 23%। कौन से इलाके? यही चीता कैंप, गोवंडी, बैगनवाड़ी, वाशीनाका, ये पूरे इलाकों, ये आलम है तालीम। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं तो 54% ड्रॉप आउट है। तो महाराष्ट्र में जो बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं 100, उनमें सिर्फ 2.4% मुसलमान। जो लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं, 100 ग्रेजुएट में सिर्फ 1.4 लड़कियां, देर भी नहीं देर से कम 100 में से एक मुसलमान लड़की ग्रेजुएट बनती है। स्कूल के फैसिलिटीज नहीं है। एंड ईस्ट में 70 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, 7वीं जमात तक 3 है, 70 7वीं जमात तक है। तो 7वीं जमात में पढ़ने के बाद 8वीं 9वीं और 10वीं में जाने के लिए कितने स्कूल हैं? सिर्फ 3 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है जो 10वीं जमात हो। मुसलमानों का यह हाल है। मुंबई शहर में बीजेपी सेना और बिलखसूस सेना मनुष्य सेना मराठा मानूस मराठा मानूस की बात करती है, मराठी स्कूल बने रहे हैं, मराठियों में सबसे मराठी स्कूल में एनरोलमेंट गिर गया है, उर्दू मीडियम में भी गिर गया है। क्या ये काम? आप बताइए कि आज हम इन सारे चीजों को लेकर आए हैं, मगर एक चीज इस रिपोर्ट में पढ़कर मुझे बेहद मसरत हुई, खुशी हुई कि गोवंडी, बैगनवाड़ी, रफीक नगर, ये सारे इलाके के लोग हर्ज लेते हैं तो सबसे ज्यादा हर्ज यहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट में लिखा है कि करीब 10,000 रुपया खर्चते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए। और अफसोस नई बात का है कि गोवंडी, रफीक नगर, शिवाजी नगर, चीता कैंप, ये सारे इलाके में सिर्फ 2% मुसलमानों को या 2% लोगों को स्कॉलरशिप मिली।